जेकर सोशल मीडिया ते कोई एतराज योग कंटेंट है जिवे के हथियारां दी नुमाइश करदी होई कोई तस्वीर या फिर वीडियो ता उसनू हटाउण दे लई तुहाडे कोल 3 दिन दा वक्त है। डीजीपी पंजाब ने 3 दिन दी मोहलत दे दित्ती है कि इन्हां 3 दिनां दे अंदर हथियारां दी नुमाइश करन वाली जेकर कोई तस्वीर या फिर वीडियो सोशल मीडिया ते मिलदी है तां उस ते FIR दर्ज नहीं कीती जाएगी। पंजाब पुलिस दे वल्लों गन कल्चर मुकाउण दे लई मुहिम छेड़ी होई है। 3 महीनियां दे विच पंजाब पुलिस ने पंजाब दे विचों गन कल्चर मुकाउण दा अहद लिया होया ते इसे तहत परचियां दी भीड़ पाई हुई सी। एक तो बाद एक परचे दर्ज हो रहे सन पर जदों पंजाब पुलिस दी किरकिरी हुई क्योंकि 10 साल दे बच्चे ते FIR दर्ज कर लई सी कथू नंगल थाने दे विच, जिस तो बाद सवाल खड़े हुए ते हुण मुख्यमंत्री दे आदेशां ते फैसला लिया गया कि 72 घंटे दी मोहलत पंजाब दे लोकां नूं दित्ती जांदी है कि जेकर सोशल मीडिया जिवें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर होर कोई प्लेटफॉर्म जिथे हथियारां नूं नुमाइश करदी हुई कोई तस्वीर या फिर वीडियो या फिर कोई होर एतराजयोग कंटेंट जो पंजाब सरकार ने बैन किया होया वो पाया होया तो उसनू हटा लिया जाए। 3 दिन के अंदर कोई FIR नहीं होएगी, पर उस तो बाद जेकर सोशल मीडिया से कोई एतराजयोग कंटेंट वाली तस्वीर या वीडियोस मिलती ने तो उन्होंने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लंघे कुछ दिनों के अंदर पंजाब पुलिस के वलों काफ़ी FIR दर्ज की गई ने, जिस तो बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई से सवाल भी उठे सन क्योंकि कथू नंगल थाने 2015 की एक तस्वीर से मामला दर्ज कर लिया गया। उस वेले बच्चे की उम्र 4 साल से हूँ उसकी उम्र 10 साल है तो उस मामले तो बाद सवाल खड़े हुए। मंत्री ने भी भरोसा दवाया कि इस मामले दे विच एक्शन लिया जाएगा। मुआफ़ी भी पुलिस दे वल्लों मंगी गई कि एक गलत कार्रवाई की गई सी, विभागी कार्रवाई का आदेश भी दिता गया। तो हुण जो DGP ने ऐलान कर दिता है कि 3 दिन के अंदर कोई इस मामले दे विच FIR दर्ज नहीं की जाएगी। लोगों को 3 दिन का वक्त है, जेकर कोई एतराज योग कंटेंट है सोशल मीडिया से तो उसनों हटा लिया जाए।